दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी एस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के अंतर्गत बॉटनिकल गार्डन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉटनिकल गार्डन होते क्या हैं इंडिया में कितने बॉटनिकल गार्डन हैं सबसे लार्जेस्ट कौन सा है कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस लिए फेमस है और इसी के साथ साथ विश्व में कौन से बॉटनिकल गार्डन फेमस हैं इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखेगा तो यदि हम बात करें बॉटनिकल गार्डन की बॉटनिकल गार्डन आर द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन विच मेंटेन प्लांट्स एंड डिफरेंट वराइटीज दे इंक्लूड आनामेंटल और कल्टिवेटेड वंस ऑफ वेरियस जियोग्राफिकल रीज़न तो आपको बता दें कि बॉटनिकल गार्डन ऐसी प्राथमिक संस्था है जहां पर पौधे और उनके अलग अलग वैरायटी को मेंटेन किया जाता है यानी कि संरक्षित रखा जाता है तो यहां पर आपको ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजाने वाले और साथ ही साथ जो कल्टीवेटेड प्लांट्स है जो कि अलग अलग रीजन से लाए जाते हैं उनको संरक्षित किया जाता है दे आर वेलेबल नॉट ओनली टू बॉटनिस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड आल्सो टू टूरिस्टर और विजिटर्स तो जो बॉटनिकल गार्डन है यह बॉटनिस्ट और बागवानी के साथ साथ ये जितने भी टूरिस्टर हैं यानी कि जो पर्यटक हैं या फिर जो प्रदर्शनी देखने वाले हैं उनके लिए भी उपयोगी होता है बॉटनिकल गार्डन आल्सो इंक्लूड ग्रीन हाउस हर्बेरियम रिसर्च विंग्स स्पेसिमेन ऑफ सेवरल प्लांट टाइप तो बॉटनिकल गार्डन में आपको ग्रीन हाउस हर्बेरियम और रिसर्च के जो पेपर हैं और साथ ही साथ अलग अलग स्पेसिमेंट पाए जाते हैं प्लांट की अलग अलग वराइटी के आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया में पाए जाने वाले बॉटनिकल गार्डन की तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया तो इंडिया में सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है इट इज़ नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देख में कंट्रोल किया जाता है दिस गार्डन इज नाउ नोटेड फॉर पोटैटो कल्टिवेशन तो इस बॉटनिकल गार्डन में पोटैटो कल्टिवेशन भी होता है और आपको बता दें कि जो दुनिया का या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट बनियान ट्री है वो इसी बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है तो यहाँ पर मेन जो अट्रैक्शन है इस बॉटनिकल गार्डन का वो है बनियान ट्री इसके अलावा इस बॉटनिकल गार्डन में कुछ और भी आकर्षण के केंद्र है जैसे कि पाम है पाम हाउस है ऑर्किड हाउस है इसी के साथ साथ जो ढेर सारे मेडिकल प्लांट हैं उनके अलग सेक्शन बनाए गए हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन फेमस है तो याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है तो विश्व में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में उपस्थित है इट इज फेमस फॉर इस्ट बिगेस्ट हर्बेरियम एंड इट्स ग्लास हाउस तो ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम हाउस है और इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्लास हाउस भी उपस्थित है इट इज आल्सो इंक्लूड रोज गार्डन एल्पाइन हाउस बम्बू गार्डन एंड लिली पॉन्ड तो यहाँ पर आपको रोज गार्डन पाइन हाउस बम्बू गार्डन और इसी के साथ साथ लिली के जो पौंड है वो भी देखने को मिलते हैं तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है इसे क्यू गार्डन भी कहा जाता है और ये बॉटनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी फेमस है दिस गार्डन इज़ आल्सो पॉपुलर फॉर इट्स फेमस पब्लिकेशन सच एज़ फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के कुछ मेजर बॉटनिकल गार्डन की तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल बॉटनिक गार्डन जो कि लखनऊ में है तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन जिसका अब नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 1946 में स्टेबलाइज किया गया था और स्टार्टिंग में ये सिकंदर बाग के नाम से फेमस था और इस गार्डन का जो आकर्षण का केंद्र है वो है रोज़ गार्डन चलते हैं भारत के अगले बॉटनिकल गार्डन की ओर जो कि है बॉटनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है तो इस बॉटनिकल गार्डन को स्टेबलाइज करने का श्रेय जाता है सी ई पार्किंगसन को जिन्होंने 1934 में इस बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की तो इस बॉटनिकल गार्डन में आपको ग्रीन हाउस कैक्टस हाउस और प्लांट नर्सरी देखने को मिलता है इट कंटेन्स ए बिगेस्ट हर्बेरियम विच इंक्लूड प्लांट स्पेसिमेंट कलेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इस बॉटनिकल गार्डन में आपको एक विशाल का हर्बेरियम देखने को मिलेगा जहाँ पर पूरे विश्व से कलेक्ट करके स्पेसिमेंट को इकट्ठा किया गया है इसके बाद भारत में अगला जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो है लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में स्थित है तो आपको बता दें कि इस बॉटनिकल गार्डन का जो खासियत है कि यहाँ पर म्यांमार चाइना और जापान से लाए हुए पौधों का कलेक्शन है दिस गार्डन इज़ फेमस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सीड्स बल्बस एंड प्लांट ऑफ टेम्परेट हिमालय टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है वो फेमस है कि विश्व से अलग अलग प्रकार के जो सीड्स हैं बल्ब्स हैं या फिर प्लांट्स हैं जो कि टेम्परेट हिमालयाज रीजन से कलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर इनको संरक्षित किया गया है बिग हर्बेरियम एंड रोसरी आर इट्स मेजर अट्रैक्शन इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा सा हर्बेरियम है और साथ ही साथ जो रोज गार्डन है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है चलते हैं भारत के अगले बॉटनिकल गार्डन की ओर जो कि है लाल बाग गार्डन जो कि बंगलोर में है इट इज़ कंसीडर एज द वन ऑफ द बेस्ट गार्डन इन साउथ इंडिया तो इसे भारत के दक्षिण भाग का सबसे अच्छा बॉटनिकल गार्डन माना जाता है इट वॉज़ नेम एज़ लाल बाग ऑन अकाउंट ऑफ रोज़ एंड अदर रेड कलर फ्लावर तो इसका नाम लाल बाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो रोज़ हैं और अलग अलग रेड कलर के जो फ्लावर हैं उन्हीं के नाम के कारण इस गार्डन का नाम पड़ा लाल बाग गार्डन दिस गार्डन इज़ नाउ ए बिग सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ तो अगर हम बागवानी के एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखें यानी कि बागवानी के क्रिया किलाप के हिसाब से देखें तो लालबाग गार्डन जो है एक बड़ा सेंटर है हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटी के लिए इट इज़ नाउ विथ ए वेल इक्विपेड लैब्स फॉर सीड टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग आपको बता दें कि अब यहाँ पर सीड टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग और अलग अलग जो टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं तो ये थे भारत के कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन की यानी कि बॉटनिकल गार्डन की क्या भूमिका है बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइडेफ फर्निस मेनी यूजफुल थिंग्स ऑफ विच द मेजर वंस आर तो यदि हम बात करें बॉटनिकल गार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका की तो ये हमें सप्लाई कराते हैं अलग अलग प्लांट के वैरायटी के सीड को यानी कि आपको अलग अलग वैरायटी जो प्लांट की है उनके जो सीड है वो आसानी से आपको बॉटनिकल गार्डन में मिल जाते हैं दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ लोकल फ्लोरा इसी के साथ साथ जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं वो आपके जो लैकेलिटी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो जो भी बॉटनिकल गार्डन आपके नज़दीक पाए जाते हैं तो आपके जो एरिया में पाए जाने वाले प्लांट हैं जिन्हें आप अक्सर देखते हैं या फिर आपको वो कम देखने को मिलते हैं तो उनके बारे में जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो बॉटनिकल गार्डन में अवेलेबल होता है बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू रिसर्च स्टूडेंट तो जितने भी स्टूडेंट जो कि रिसर्च कर रहे हैं खोज में लगे हुए हैं वो एक तरह से इन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है दे प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर होम गार्डनिंग ई इसी के साथ साथ आप घर में कैसे बगीचे लगा सकते हैं आपको कैसे बागवानी करनी है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है बॉटनिकल गार्डन का दे प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन टू ह्यूमन ऑफ ऑल द एजेस तो किसी भी आयु वर्ग के मानव के लिए एक रिलैक्सेशन का कार्य करता है तो अगर आप बॉटनिकल गार्डन में जाते हो अलग अलग नेचुरल प्लांट को देखते हैं जो आपके नेचुरल हैबिटेट में पाए जाने वाले हैं उन सभी को देख कर आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है तो दोस्तों इसी के साथ प्लांट रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ बॉटनिकल गार्डन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत